Hello everyone, this is Akanksha Kala and I welcome you all at Alliance IAS Academy for our daily MCQ discussion. So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी MCQs की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे MCQs के थ्रू. आप लोगों को पता है कि आप लोगों को किस तरीके से इन्हें अटेम्प्ट करना है. आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को टाइप करने हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम वी जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम जो शुरू करेंगे तो इस तरीके से होगा कि मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगी, एक्सप्लेन करूंगी और आप लोग जैसे कि आप जानते ही हैं वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नीचे टाइप करेंगे और अगर आपको कुछ क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग तो आप उसे भी नीचे डिस्कस कर सकते हैं. हम ट्राई करेंगे कि पूरी तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाए. सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेसिफिकली फॉर परचेजिंग NPAs फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कौन सी इनमें से कौन सी वो कमेटी है जिसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, आजकल भी बहुत न्यूज़ में था, इसलिए ये आपका क्वेश्चन भी बना है. तो पहला ऑप्शन है आपका बिमल जालन कमेटी, दूसरा ऑप्शन है आपका नरसिम्हन कमेटी, तीसरा ऑप्शन है आपका उर्जित पटेल कमेटी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए और देखिए कि आपके लॉजिक सही होते हैं, आपकी नॉलेज सही होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन. क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि NPAs की प्रॉब्लम हमारी कंट्री, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ओके, और इसी वजह से इन ऐसे रिकमेंडेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और ये जो तीन नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी फेमस कमेटीज़ हैं, बहुत ही वाइड रिकमेंडेशंस इन कमेटीज़ ने दी है. तो इनकी रिकमेंडेशंस भी आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और आप सब जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स UPSC का एक ऐसा आस्पेक्ट है जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. तो आप आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिए हो. तो लेट्स सी आप लोगों के आंसर कैसे होते हैं. सो इसका आंसर है आपका बी, विच मीन्स दी नरसिम्हन कमेटी जो थी उसने आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की आपका रिकमेंडेशन दिया था. अब हम थोड़ा इसकी तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तो वहाँ पे आप जो हमने देखा था कि इंडिया के जो NPAs की प्रॉब्लम थी वो हमारी काफ़ी देखने को मिली थी, क्योंकि 14.4% यहाँ पे हमारा NPAs दिखा था. तो ये बहुत बड़ा नंबर है एक इकोनॉमी में, इतना बड़ा NPA. अगर मैं आपको NPA का शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ तो NPA होते हैं आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो बेसिकली ये वो एसेट्स होते हैं जिनको एक बार, अगर मैं इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, तो जब बैंक किसी को लोन दे और वो एक डिफाइंड पीरियड के अंदर वो लोन रिकवरी नहीं हो पाए तो उसे ही हम NPA की कैटेगरी में डालते हैं. तो बेसिकली इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 90 डेज होता है. ऐसा नहीं होता है कि एकदम से किसी को NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पता है कि कितने तरह NPA अनाउंस होने से पहले किसी भी बॉडी को किस किस उसमें बांटा जाता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किस किस उसमें बांटा जाता है. तो अब हम इसकी बात करते हैं कि NPA की प्रॉब्लम इस तरीके से बढ़ी तो तब जाके जब आपका 1998 में जो नरसिम्हन कमेटी थी उन्होंने रेकमेंड किया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाने का. अब ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करेंगी क्या, ये बेसिकली वो कंपनीज होंगी जो NPAs को परचेस करेंगी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. अब ये क्यों परचेस करेंगी, इनका क्या लॉजिक होगा इसमें, इनका क्या प्रॉफिट होगा इसमें, ये हम आगे देखते हैं. फर्दर ऑन इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में भी हमने कई बार ये चीज़ें डिस्कस करी हैं. तो अब अगर हम बात करें तो फिर इसी के आगे हम कंटिन्यूएशन में देखते हैं. तो एक सरफाइसी एक्ट भी आपका आता है 2002 में, ओके, जो कि एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है आपके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को इंडिया में. तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रजिस्टर्ड भी किसके अंदर होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये RBI के अंडर रजिस्टर्ड होंगे और ये बैंक को हेल्प करेगी अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने में और ताकि वो अपनी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भी आगे अच्छे से परफॉर्म कर सके. सो इस हिसाब से अब हम देखेंगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम कैसे करेंगी. तो इसमें बेसिकली होगा ये कि जितना भी स्ट्रेस्ड एसेट होगा वो आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ओके, जिसकी वजह से बैंक की जो बैलेंस शीट होगी वो आपकी बैलेंस हो जाएगी. लाइक उसमें जितना भी NPAs का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा वो आपका बैलेंस होगा, ओके. और इससे क्या होगा कि बैंक रिटर्न में रिसीव बैंक इन विल इन रिटर्न रिसीव 50% कैश
and 85% security receipt against the amount of bad loan from the. तो अब जो वो देंगे अपना NPA तो उसके return में banks को 15% cash और 85% security receipt मिलेगी उस bad loan के against में. So इस तरीके से आपके ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करेंगी और इस तरीके से ये आपके बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करेंगी. तो वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स की जब लेक्चर्स होंगे आप ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं मे बी उसमें भी ये डिस्कस करे गए हों तो आप आई होप आप लोगों ने देख लिए हों या फिर अगर नहीं है तो आप लोग उसको देख सकते हैं. सो यहाँ पे हम इसको इतने तक ही लिमिट करते हैं और इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आप लोगों ने अपने आंसर सही करे हों. ओके यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी. एक UPSC एस्पिरेंट होते हुए आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आंसर था नरसिम्हन कमेटी. ओके तो लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी या किसी भी एक जो आइडल प्रिपरेशन में कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. कहानी क्या होगी कि आपको ये भी देखना होगा कि विमल जालन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको उर्जित पटेल कमेटी भी किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऐसी कमेटीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं और बहुत ही बड़ी कमेटीज़ हैं, इनकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बार इनको भी ज़रूर देखिएगा कि ये कमेटीज़ की क्या रिकमेंडेशन थी, किन किन चीज़ों से रिलेटेड बात इन कमेटीज़ ने करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप ऑप्शंस को भी अगर डिस्कस करेंगे तो आपका सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा. सो इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का जो परसीवरेंस मिशन है उसके रिगार्डिंग. तो ध्यान से देखिएगा इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है बताने के लिए. सो द परसीवरेंस विल कैरी अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट फॉर विच अमंग विच फॉर द फर्स्ट टाइम विल मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफियर. सेकेंड स्टेटमेंट इट विल कैरी द नासाज फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन द मार्स. आपके ऑप्शंस है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नहीं. अगर मैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हल्का सा सिंप्लीफाई कर दूं, वैसे तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है बट स्टिल अगर मैं हल्का सा बोलूं तो इसमें ये होगा कि जो नासा का जो परसीवरेंस मिशन है इसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये कैरी कर रहा है जो कि आपके जो मार्स की जो एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा. पहला स्टेटमेंट ये है. दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर भी कैरी करेगा जो पहली बार मार्स के एटमोसफियर में फ्लाई करेगा. तो वीडियो को पॉज करिए, अब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए, देखते हैं आपके लॉजिक सही होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है और इसके साथ साथ आपके कई और मिशन्स भी हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहे हैं. अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और देना चाहती हूँ कि होप अभी रिसेंटली ये भी एक मिशन लॉन्च हुआ है, तो आप लोगों को बताना है जिनको पता है कि होप कौन सी कंट्री का मिशन है और ये कहाँ भेजा गया है. सो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और इस आंसर का भी आप इस क्वेश्चन का भी आंसर टाइप कर सकते हैं. सो तब तक अगर हम परसीवरेंस की बात करें तो काफ़ी बड़ा मिशन है ये, मार्स के लिए भेजा गया है जैसा आप लोगों को पता है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. सो इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आपका दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब अगर हम इसके डिस्कशन की तरफ को जाएं तो जो आपका परसीवरेंस लॉन्च हुआ था ये आपका जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था. ओके और अब ये जो काम करेगा ये किस तरीके से करेगा कि ये मार्स में जो एंशियंट लाइफ है और वहाँ की जो रॉक है उसके सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें ये आपका एक आर्म ड्रिल्स होंगे, इसमें कैमराज होंगे, लेज़र होंगे और बहुत सारे इसमें अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो इसको हेल्प करेंगे, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले भी कई मिशंस पढ़े हैं किस तरीके से भेजे गए हैं, मून पे भेजे गए हैं, मार्स पे भेजे गए हैं, तो इस तरीके से ये मिशंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. और क्योंकि ये वहाँ में एंशियंट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. अब अगर हम इसके आगे डिस्कशन की तरफ को बढ़े तो जो क्वेश्चन में भी था कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट को कैरी कर रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ये है मौजी,
मतलब मार्स ऑक्सीजन EISRU एक्सपेरिमेंट, इसमें ही आपका जो पहली बार मॉलिकुलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करा जाएगा। वो मैन्युफैक्चर कैसे होगा, जो मार्स के एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका यूज़ करके आपका यहाँ पे मॉलिकुलर ऑक्सीजन को बनाया जाएगा। अब यहाँ पे ISRU एक टर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। अगर हम मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं तो एक्स सीटू मतलब एक्सटर्नल से हम लगा सकते हैं, इन सीटू मतलब इंटरनल से। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जहाँ पे एक्स सीटू वर्ड होगा तो वहाँ पे मतलब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से कुछ चीज़ वहाँ पे कराई जा रही है, और जहाँ पे भी इन सीटू वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करा जा रहा है। तो परसीवरेंस के लिए इन सीटू वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मार्स के ही एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका यूज़ किया जाएगा, विच मीन्स जो इन सीटू रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी कैरी करेगा, वो जो पहली बार फ्लाई करेगा मार्स के एटमॉस्फेयर में, ओके, नासा का ये फर्स्ट टाइम होगा जो वो ऐसा हेलीकॉप्टर कैरी कर रहा है, ओके। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि नासा के कुछ प्रीवियस मिशंस भी थे जो उन्होंने मार्स में भेजे थे, क्योंकि उनके इस मिशन का नाम ही परसीवरेंस है। तो परसीवरेंस मतलब ही ये होता है कि बैक टू बैक फेलियर्स के बाद भी वो स्टिल उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो क्या उनके पहले के फेलियर्स थे, तो उन्होंने 1997 में मार्स पाथफाइंडर नाम का मिशन स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी मिशन भी भेजा था 2003 में, फिर 2012 में उनका क्रियोसिटी भी भेजा था। तो ये उनके बैक टू बैक मिशंस थे जो उन्होंने मार्स में भेजे थे, और उसके बाद अब जो उन्होंने परसीवरेंस भेजा है 2020 में जुलाई में। तो ये आपका परसीवरेंस से रिलेटेड है, और बाकी भी इसमें फर्दर ऑन जैसे जैसे इसमें अभी रिसेंटली वहाँ पे कई पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर करी हैं जो मार्स से ली गई हैं। तो इस तरीके से आगे जैसे जैसे इसमें डिस्कवरीज होती जाएंगी इसमें आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिएगा। सो इसके साथ ही आई होप आप लोगों के आंसर्स भी सही हुए हों, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑन स्पॉट था। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So the third question is regarding joint comprehensive plan of action. So basically यहाँ पे JC बुआ की बात करी गई है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, ये बोल रहे हैं कि which among of the following is associated with JC बुआ, which means joint comprehensive plan of action से कौन कौन से हैं जो related हैं। अब इसमें आपको कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, कि आपको पता होना चाहिए जेसी बोआ है क्या, उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, ओके, किस चीज़ से रिलेटेड है, और फिर आप इसको अटेम्प्ट करने जा सकते हैं। सो पहला है इसमें चाइना, दूसरा है यूरोपियन यूनियन, तीसरा है USA। आपके ऑप्शंस हैं ए एंड बी ओनली, सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए, और फिर आके देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है। अगर मैं इसका एक हल्का सा हिंट दे दूँ तो ये ईरान से रिलेटेड है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान से रिलेटेड है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ईरान भी बहुत न्यूज़ में रहता है, और इससे पहले के लेक्चर्स में भी हमने बहुत बार ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका All of the above, which means China, European Union and USA, ये तीनों ही आपके joint comprehensive plan of action से related है। So अब हम JC बुआ के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं। So basically ये एक तरीके का negotiation था जो कि आपका 2013 से 2015 के बीच में start हुआ था। अब इसमें involve कौन कौन है आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी countries involve है, क्योंकि question में यही आ सकता है कि ये इससे related है या नहीं है। तो सबसे important ईरान, तो क्योंकि ईरान से related है जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरा इसमें P5+1 कंट्रीज़ आ जाती हैं। अब इसमें देखिए चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। सो मोस्टली हम कंट्रीज़ याद रख लेते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक आपका यूनियन है, तो मेनली ये हमारा कई बार दिमाग से स्लिप भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन भी आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में एक पार्टी है, याद रखिएगा ये भी इसमें एक पार्टी है। तो JC बुआ वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है,
लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से इसमें इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, आगे इसमें जैसे फर्दर ऑन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सो इसके साथ ही हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस। तो आपको ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेजिडेंट। ये बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस जो बनाता है ये एक लेजिस्लेटिव पावर है जो प्रेजिडेंट को मिली हुई है। दूसरा ये बोलते हैं कि पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये बोल रहा है कि जो ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर है ये को एक्सटेंसिव है एज रिगार्ड टू ऑल मैटर्स, उन सब मैटर्स के रिगार्ड में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जिस भी ड्यूरेशन में आपका पार्लियामेंट के पास वो पावर है। आपके ऑप्शंस है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। तो आई होप आप लोग अपने आंसर्स टाइप कर दिए होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है नन, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट द ऑर्डिनेंस मेकिंग इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आपका सही ऑप्शन है। दूसरा द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन होता है नन। तो अब हम थोड़ा ऑर्डिनेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली आपका एक लॉ ही होता है, लेकिन इसे कौन बनाता है, इसे आपका प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट करता है जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं दोनों हाउसेस की बात कर रही हूँ, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। तो प्रेसिडेंट इसे बनाएगा और किसकी रिकमेंडेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पारित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे अगर हम ऑर्डिनेंस को फर्दर ऑन डिस्कस करें तो ये भी जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ही होता है, लेकिन बस ये तब बनेगा जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोनों या पार्लियामेंट दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, या दोनों में से कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है, तो आपका ऑर्डिनेंस बनेगा। ओके, कैबिनेट की रिकमेंडेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिना इसकी रिकमेंडेशन के ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता है। ओके, और उसके बाद इसीलिए इसको लेजिस्लेटिव पावर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस आपका शो हो रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको लेजिस्लेटिव कहेंगे या फिर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इसमें आता है कि अब अगर एक ऑर्डिनेंस पास होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इस तरीके से ऑर्डिनेंस पास होगा तो सारे लॉज ही ऑर्डिनेंस के थ्रू बना दिए जा सकते हैं, इसमें हमें फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत ही क्यों है। तो हम किस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेशन लॉ में आएगा, ऐसे आएगा कि जब भी आपका ऑर्डिनेंस बनेगा, लेकिन जब भी ऑर्डिनेंस बनने के बाद या ऑर्डिनेंस लगने के बाद पार्लियामेंट जब सेशन में बैठेगी, तो 6 वीक के अंदर आपको उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होगा, उसे पास करवाना होगा। ओके, और अगर वो पास नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस आपका लैप्स हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब तक वो चल रहा है या जब तक उसकी प्रोसेस चल रही है, तब तक उस ऑर्डिनेंस के थ्रू जितने भी काम हैं वो चलते रहेंगे, वो आपके रुकते नहीं हैं। इन केस अगर वो ऑर्डिनेंस आपका लैप्स हो जाता या ऑर्डिनेंस आपका पार्लियामेंट उसको खारिज करती है, तो उसके बाद फिर उसके काम नहीं हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, तो आर्टिकल 123 में आपको प्रेसिडेंट को पावर्स दी हैं ऑर्डिनेंस बनाने की। तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल में दी गई है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गवर्नर की कौन से एक्ट में पावर्स हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग की, क्योंकि जैसा आपका प्रेसिडेंट कंट्री वाइज होता है उसी तरीके का गवर्नर, अगर टोटली नहीं बट गवर्नर भी उस तरीके का आपका एक स्टेट में होता है, तो इस तरीके के गवर्नर की भी पावर होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी पावर है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग, कौन से आर्टिकल में दी गई है। ओके, सो इसके साथ अगर हम थोड़ा और इसको आगे डिस्कस करें, तो वही जैसे मैंने बताया है कि दोनों हाउसेज जब सेशन में नहीं होंगे या फिर दोनों में से कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं होगा, और अगर वहाँ पे एक लॉ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आप ऑर्डिनेंस को बनाया जाए। इसका ऑर्डिनेंस आपका रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है नेचर में, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने उससे लेकर भी आप उसको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी एक्ट होंगे ऑर्डिनेंस के अंडर,
ओके बिफोर उसके लैप्स होने से पहले वो एक्टिव रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को, ओके और जस्टिसेबल। और यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है कि क्या अगर इस तरीके से प्रेसिडेंट कुछ भी ऑर्डिनेंस बना सकता है उसको, लाइक कुछ भी उसके ऊपर रोक नहीं है, तो ये गलत है। जो ऑर्डिनेंस, जो पावर है प्रेसिडेंट की टू रोल आउट ऑर्डिनेंस, ये आपका जस्टिसेबल होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैनिफेस्ट इंटेंशंस। तो इसमें आपकी जुडिशरी भी इंटरवीन कर सकती है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ये इम्यून है जुडिशियल इंटरवेंशन से, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। और वैसे भी जुडिशरी ने कहा है कि कुछ भी इम्यून नहीं है जुडिशियल इंटरवेंशन से। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा स्कोर करा हो। सो इन जेन्युइनिटी वॉज ए न्यूज़ रिसेंटली विच इज़ अप, ये क्या है, आजकल न्यूज़ में था, ये क्या है? अच्छा, मैं इसमें एक हिंट दे देती हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले की स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ा हो, या फिर मे बी मैंने वो इसीलिए स्किप किया था, अगर आप लोगों ने उसे ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। लेट्स सी किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है। तो क्या है ये? एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है फर्स्ट, दूसरा एक साइक्लोन का नाम है, तीसरा ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमरीन है, या फिर ये इनमें से कुछ नहीं है? वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर टाइप करिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने स्लाइड्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है। और आई गेस ये पहले भी रिपीट हो चुका है, जो लोग वीकली टेस्ट, हमारे वीकली टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में भी ये डिस्कस हो चुका है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसका आंसर बताने में, और मैं भी नहीं लूँगी, क्योंकि इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। अब आप लोग बता सकते हैं कि ये इनजेन्युइनिटी है, और ये क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये नासा का जो परसिवरेंस मिशन है उससे रिलेटेड है। अब अगर मैं बता दूं कि ये पहले की स्लाइड्स में कहाँ पे था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नासा वाला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि कौन सा फ्लाई करेगा। तो ये ही इनजेन्युइनिटी है जो फ्लाई करेगा नासा के सरफेस पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ज़्यादा डिस्कस करने के लिए इसमें अभी कुछ है नहीं, जैसे जैसे इसमें डिस्कवरीज होंगी हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लेस आर करेक्ट रिगार्डिंग केन बेतवा, तो एक केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, बात आती है उसकी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन यूपी एंड अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि केन और बेतवा आपकी यूपी से निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज तो नहीं है? तो इन सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करिए। क्या ये पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है कि नहीं होती है? अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये भी पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, वैसे आगे हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर स्टिल तो बिना टाइम वेस्ट करें अपना आंसर टाइप करें, और हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ओनली, विच मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो लेट्स सी व्हाई इट इज़ रॉन्ग। सो द केन एंड बेतवा रिवर्स ये आपका एमपी से निकलती हैं, विच इज़ मध्य प्रदेश, और ये यमुना की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत होता है क्योंकि यहाँ पे आपका यूपी लिखा है, विच इज़ उत्तर प्रदेश, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। दूसरा, केन जो है वो यमुना से मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, बेतवा जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है यमुना से, ओके। और राजघाट, परिचर, मतीला डैम्स, ये जो डैम्स हैं ये बेतवा के ऊपर हैं, और केन रिवर जैसा कि स्टेटमेंट में था पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है। तो अब आई होप आप लोगों ने ये भी टाइप कर दिया होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मैं देखना चाहूँगी कि किस किस को पता है। तो अब अगर हम एक बार मैप में भी देख लें तो ये जो रेड से बनी है ये आपकी पेनिनसुलर कंपोनेंट है, और जो ब्लू से हैं ये आपके हिमालयन हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन रिवर सिस्टम में दो आते हैं, एक जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरा जो पेनिनसुलर इंडिया में बहती है। तो यहाँ पे आपका दिखेगा, आपको ये है बेतवा, ये है केन, तो ये मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट में आती हैं, बाकी और भी हैं, आप इसको जब जो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके साथ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि आपका खजुराहो टेंपल से रिलेटेड है। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एसोसिएटेड विथ खजुराहो टेंपल, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो खजुराहो टेंपल से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ना किसी चीज़ के थ्रू उससे एसोसिएटेड है। तो पहला है आपका अबू रिहान अल बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है चंदेला डायनेस्टी,
चौथा है आपका चोला डायनेस्टी। आपके ऑप्शंस है ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन कौन से, क्या पता वहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स आए हों, या फिर कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सी नहीं थी, कौन से ट्रैवलर आए थे। तो ऑप्शन वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। तो आई होप आप लोगों ने आंसर टाइप कर दिए हों। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी ओनली, विच मीन्स आपका चोला डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि खजुराहो टेम्पल जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ओके, तो ये आपका 1950 से 1050 एडी के बीच में बना था और चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इस मॉन्यूमेंट में आपके हिंदू और जैन टेम्पल्स इंक्लूड होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि यहाँ पर सिर्फ आपके हिंदू टेम्पल्स इंक्लूड होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको और धर्मों के भी टेम्पल्स मिलते हैं। फिर इसमें आगे अगर हम देखें तो ये आपके विंध्यन माउंटेन रेंज साइड में पड़ता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है, ओके। और जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, अबू रिहान अल बरूनी यहाँ पे आपका 1022 एडी में, और अरब ट्रैवलर इब्न बतूता आपका 1335 एडी में आया था, तो इसीलिए ये इससे एसोसिएटेड है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये है आपका खजुराहो का टेम्पल, ओके, और इस तरीके से इसकी आपकी आर्किटेक्चर है। आप ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस आर्किटेक्चर को कौन सा स्टाइल कहा जाता है, अगर आपको पता होगा। खजुराहो का काफ़ी फेमस स्टाइल है ये, अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल होते हैं, तो उसमें से एक इसमें है। तो इसके साथ हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट, बताना है आपको। द स्टार्टअप सीड फंड एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन, पहला स्टेटमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इज दिस नोडल एजेंसी, पहला स्टेटमेंट बहुत प्लेन स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज़ है कि यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसकी नोडल है, ओके। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर टाइप कर दिए हों। तो इसका आंसर है बी ओनली, जैसा कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यहाँ पे नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसकी नोडल एजेंसी नहीं है। आगे अगर हम इसमें बात करें, जो जिस कॉर्पस की बात हो रही है, ये अगले 4 साल के लिए इसमें आपको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये एलिजिबल स्टार्टअप से रिलेटेड है। बाकी आप इसमें जब आपको स्लाइड्स आप देखेंगे तो उसमें आपको इसकी डिटेल्स आप इससे पढ़ सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कंट्री में, इसीलिए ये वाली स्कीम भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किस तरीके से ये आपके टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स में आपका काम करेगी, पर्टिकुलरली वहाँ पे स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगी इस तरीके से। तो इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क रिसेंटली फाउंड इन, अभी कल परसों के न्यूज़ में आपको दिखा था कि एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट मिला है। कहाँ पे मिला है वो? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि बहुत क्यूट सा बैट आपको दिखा था, ये फ़ोटो आपको द हिंदू में भी आया था, ओके, और बाकी आपकी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पर भी दिखा था। सो द इसका आंसर आपका मेघालय, ए मतलब मेघालय इसका आंसर है, और ये आपका वो बैट है जो कि आपका मिला है। तो ये पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट है जो आपको मेघालय में मिला है। सो इसके साथ ही हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं आज के लेक्चर के। सो विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च्ड बाय, एक रिसेंटली ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसे किसने लॉन्च किया है, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आता होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें लॉजिक भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल है, तो अगर आप दो ऑप्शन तो इसमें से देख के ही एलिमिनेट हो रहे हैं। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो दो में हो सकता है, देखते हैं आपके लॉजिक सही होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो इसमें आपका आंसर है आपका डी, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है. ओके, और इसमें ये सिटीज़, सिटीजन ग्रुप एंड स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है. सारी स्मार्ट सिटीज़ मिशन, कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज़, वो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है, वो सब इस चैलेंज के अंदर एलिजिबल होती हैं. तो आई होप आप लोगों का आंसर सही हुआ हो. अपने स्कोर को चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने आंसर सही दिए हैं, और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए. इसके साथ ही आज के लेक्चर का हम लास्ट में तरफ बढ़ते हैं, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और इस तरीके से अच्छे से MCQs हम ट्राई करेंगे इस तरीके से ही आपको डेली के 10 MCQs के थ्रू आपके करंट अफेयर्स को भी कवर करवाते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे